नमस्कार साथियों, साथियों आपका स्वागत है मेरे चैनल 2D के राज पे। साथियों आज हम चलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पे। आज आपको साथियों इसकी जानकारी पूरी दी जाएगी किस तरह से आप कौडल्या क्रूज पे घूम सकते हैं। जी हाँ, हम चलते हैं कौडल्या क्रूज पे। मुंबई पोर्ट पे साथियों आपको आना होगा। यहाँ आप एक दो घंटा पहले ही आ जाइए। शाम को 5 से 6 बजे क्रूज चल देता है, तो आप उससे पहले ही आ जाइए, क्योंकि आपके यहाँ पे जांच होती है और सामान भी चेक होता है, तो उसके अनुसार आपको काफ़ी टाइम लगता है। कोविड का समय जैसे कि चल रहा है, तो आपको पास RT-PCR की रिपोर्ट होनी बहुत ही ज़रूरी है 72 घंटे की, नहीं तो आप वहाँ पे भी जांच करा सकते हैं। यह सुविधा कर दी गई है। और साथियों कितना रुपये का आपका टिकट होने वाला है, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा, चलिए जानते हैं वीडियो में। तो वीडियो से साथियों जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल पर साथियों पहली बार आएँ तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो जानते हैं साथियों इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है। जिस समय साथियों आप इसके अंदर एंट्री करते हैं, तो आप एक ऐसे सफर में कदम रखने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया होगा। हो सकता है कुछ लोग कई बार जा चुके हैं क्योंकि वो ब्लॉगिंग करते हैं या फिर उनका ज़्यादा आना जाना होता है, लेकिन आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको साथियों इस सफ़र पर इतना मज़ा आने वाला है, शायद लाइफ में आपने कहीं और एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। समुद्र पर इस जहाज़ को चलते हुए जो आप यहाँ का एक्सपीरियंस करते हुए बेहद ही लाजवाब है। इसके अंदर साथियों आपको कसिनो मिल जाएगा, जिम भी आपको फिटनेस के लिए मिलता है, और खाना पीना साथियों आपके टिकट में इंक्लूड होता है, तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके अंदर साथियों 11 डेक बनी हुई हैं, हर अलग डेक पे आपको अलग ही चीज़ देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको स्पा की सुविधा भी दी गई है, आप इसमें चाहे तो बाल भी कटिंग करा सकते हैं। शॉपिंग के लिए भी साथियों इसमें आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं। बच्चों के लिए यहाँ घूमने फिरने के और खेलने के लिए भी गेमिंग बनाए गए हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ लाइब्रेरी भी दी गई है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। साथियों एक क्रूज इतना बड़ा है, आपको इसमें 2 से 3 घंटे घूमने में लग जाएंगे, तो आप इसे पूरा एक्सप्लोर कीजिए ताकि कुछ भी चीज़ आप मिस ना कर दे। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिए, आपको हर डेक पे अलग चीज़ जैसे देखने को मिलेगी, तो उसे आप अपने कैमरे में शूट करना ना भूलिए। यह पल साथियों आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। साथियों इसमें आपको हर शहर जैसी फैसिलिटी मिलती है, और यहाँ का जो इंटीरियर है इतना शानदार खूबसूरत है जिसे आप देखते ही रह जाएंगे। यहाँ आपको फुल लग्जरी लाइफ जीने के लिए मिलती है। इसमें साथियों आपका सफ़र 2 रात 3 दिनों का होने वाला है। आपका जो साथियों टिकट होता है, इसमें आपका पूरा पैसा जाता है, चाहे तो आप एक तरफ से सफ़र कीजिए या दोनों तरफ का भी आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, लेकिन पैसा आपको पूरा ही पे करना होगा। तो आप अपना टाइम ऐसे बना के चाहिए जिसमें आप दोनों तरफ से भी सफ़र कर पाएँ। साथ ही जिस समय आप ऊपर आके सबसे ऊपर स्विमिंग पूल का आनंद लेते हैं, तो यह बहुत ही मज़ेदार होता है। ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ पानी ही पानी, और फिर आप स्विमिंग पूल में पानी के अंदर, बहुत ही साथियों आपको इसके अंदर मज़ा आने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ गए हैं तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं, खुल के इंजॉय कीजिए। फैमिली के साथ भी गए हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। जिस समय साथियों यहाँ शाम हो जाती है, तो यहाँ की लाइटिंग इसमें 4 चांद लगा देती है। इसी के अंदर साथियों आपको डिस्को भी मिलता है, जिसमें आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आपको गाने हॉलीवुड बॉलीवुड पंजाबी सॉन्ग सुनने को काफ़ी मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको ये थिएटर भी मिलता है। इस थिएटर में साथियों आपको अलग अलग प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, डांसिंग से लेकर नाटक तक काफ़ी प्रोग्राम यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे, आप इसका भी यहाँ आनंद उठा सकते हैं। साथियों ये तो बातें हो गई क्या क्या आपको इसके अंदर मिलता है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ साथियों, आपको अगर अलग से कुछ खाना पीना है तो उसके लिए भी यहाँ अलग से सुविधा की गई है, जो आपके टिकट से अलग है। उसके लिए साथियों आपको अलग से पे करना होगा, वह आपका डॉलर में चार्ज लगता है। आपके रूम की में ही आपका बैलेंस होता है, उसे आप खर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको 3 रेस्टोरेंट प्राइवेट मिल जाए, जिसमें साथियों आप अपने बजट अनुसार खा सकते हैं। 5 बार आपको यहाँ मिलते हैं, उसमें आप ड्रिंक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे आप कितना ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक उतना ही कीजिएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और आपको भी काफ़ी मज़ा आए। अब बात कर लेते हैं साथियों टिकट की। टिकट इसके अंदर साथियों आपको जो मिलता है रूम वाइज मिलता है। अगर आप इंटीरियर रूम ले रहे हैं तो आपको 21,590 रुपये का टिकट मिलता है 2 नाइट 3 डे का। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूँ साथियों, प्राइस ऊपर नीचे वैसे होते रहते हैं, तो जब भी आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको हर बार टिकट के प्राइस देखने होंगे। कौडल्या क्रूज की वेबसाइट पे भी साथियों चाहे तो इसे बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राइवेट एजेंसी द्वारा भी इसे बुक करा सकते हैं,
दोनों सुविधा आपके सामने उपलब्ध होती हैं। ज्यादातर लोग ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते, तो आप ऑफलाइन भी ट्रैवल एजेंसी द्वारा करा सकते हैं। और गोवा तक का जो साथी सफर है आपका 13 से 14 घंटे का होने वाला है, जो बहुत ही खूबसूरत आपको अपने ही देश में एक लग्जरी लाइफ जीने को क्रूज के अंदर मिल जाती है। तो आप इसमें साथियों जाना ना भूलिए। अब बात कर लेते हैं साथियों कमरा नंबर 2 की। हम बात कर रहे हैं साथियों ओशन व्यू रूम। यह आपको 30,450 रुपए का साथियों रूम मिलता है। इसमें आपको बाहर का दृश्य देखने के लिए मिल जाएगा। रूम काफी बेस्ट बने हुए हैं, डिपेंड है आप कितना महंगा रूम लेने वाले हैं। तीसरे नंबर पे साथियों आता है बालकनी रूम। बालकनी रूम में साथियों आपको कुछ स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप रूम से निकल के बालकनी में आके बैठ के व्यू का मजा ले सकते हैं। और बात करते हैं अब साथियों, चाहे तो साथियों आप स्वीट रूम ले सकते हैं, इसके भी आपको प्राइस अलग देने होंगे। और इसके अंदर सबसे महंगा रूम जो है चेयरमैन रूम है, वह आपको 1,00,000 रुपए से ऊपर ही मिलने वाला है। लगभग 1,30,000 के अराउंड में ही आपको मिल जाएगा। तो आप टिकट अपने बजट अनुसार ले लीजिए और काफी मजा इसमें आपको आने वाला है। और यह सिर्फ आपका मुंबई पोर्ट से शुरू होकर गोवा मरगोमा पोर्ट पर जाके रुक जाता है। तो आज का सफर साथियों हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप अच्छे से घूम के आइएगा, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साथियों गुड बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते जाइए।